भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो भाई इनका तो इतिहास ही रहा है। तो मैं दावे से कह सकता हूं 90 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के व्यक्तियों के काले धन वहां पे जमा है। इनकी तो आदत ही है मांगने की, ये देने वाले नहीं है देश की जनता को कुछ। ये धर्म के नाम पे इनको वोट चाहिए, हिंदुत्व के नाम पे इनको वोट चाहिए, राम के नाम पे इनको वोट चाहिए। अरे जो जाति धर्म के नाम पे वोट मांगे उनसे विकास कभी नहीं होता भैया। सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिधर भी देखो अभी बस एक चीज की चर्चा है, राम मंदिर मंदिर ट्रस्ट का जमीन का घोटाले का। 16.5 करोड़ घोटाला हर व्यक्ति को दिख रहा है, लेकिन भाजपा और संघ ने जो महा घोटाला किया वो आज तक किसी को नजर ही क्यों नहीं आ रहा है। 1992 में राम मंदिर के नाम पे 14,000 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया गया। 14,000 करोड़, मतलब समझ लीजिए ऐसे ऐसे चार राम मंदिर बन जाएंगे 14,000 करोड़ में। कहां गया वो पैसा, किसके पास है वो पैसा, इस पे भी थोड़ा रोशनी डालनी चाहिए सभी को, और भारतीय जनता पार्टी को भी इसका जवाब देना चाहिए, आरएसएस को भी, संघ जो भी हैं इनके, विश्व हिंदू परिषद जो भी हैं ये इनके संगठन के, उन सबको जवाब देना चाहिए कि 1992 में 14,000 करोड़ रुपया कहां गया वो चंदा। अब भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो भाई इनका तो इतिहास ही रहा है, राम के नाम पे दे दो, राम मंदिर के नाम पे दे दो, दलित के नाम पे दे दो, पिछड़ों के नाम पे दे दो, हिंदुत्व के नाम पे दे दो, पाकिस्तान के नाम पे दे दो, कभी चाइना के नाम पे दे दो, तो भैया इनकी तो आदत ही है मांगने की, ये देने वाले नहीं है देश की जनता को कुछ। नहीं, दिया तो है, दिया तो बहुत जबरदस्त है। देखो 35 रुपए का डीजल 100 रुपए का दे रहा है, 95 रुपए का सरसों तेल 200 रुपए का दे रहा है, देते हैं ये पूरा ब्याज के साथ लौटाते हैं। अब कितना चाहिए देश की जनता को, राम मंदिर राम मंदिर। 1990 से लेके अब तक 30-31 साल हो गए इस मुद्दे को, 3 बार सत्ता में आ चुके हैं ये मंदिर को लेके, लेकिन राम मंदिर का एक शिलान्यास ही सिर्फ हुआ है, उसके अलावा कुछ वहां हुआ नहीं है। लेकिन उसके नाम पे अरबों खरबों धन उगाही हो गई, पता ही नहीं चला वो कहां ढकार गए ये लोग। अब सोचने की बात है कि देश की जनता इन पे क्यों विश्वास करे। ये धर्म के नाम पे इनको वोट चाहिए, हिंदुत्व के नाम पे इनको वोट चाहिए, राम के नाम पे इनको वोट चाहिए, शमशान के नाम पे इनको वोट चाहिए। देखा ही था, सेना के नाम पे इनको वोट चाहिए। हा, ऐसा कोई बिंदु नहीं बचा, और एक भी बार 7 साल के दरमियान में कभी, मैं पूरे भारत की एक एक जनता से कह रहा हूं,
और खास तौर से अंध भक्तों से स्पेशल कह रहा हूं कि तुम्हारे अब्बा श्री जो नाम लेते थे स्विच बैंक का, एक बार भी किसी भारतीय जनता पार्टी के मुख से निकलता है? प्रधानमंत्री से लेकर निचले किसी कार्यकर्ता के मुख से निकलता है कि भाई स्विच बैंक में जो काला धन जमा था, जिसका खुलासा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बीड़ा उठाया था, कितनों का आज तक खुलासा हुआ? 2017-18 के अंदर 50% काला धन उसमें और जमा हुआ, और जमा हुआ है, घटा नहीं है। तो एक भी व्यक्ति का नाम आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उजागर नहीं किया। इसका मतलब क्या निकाले हम लोग? इसका मतलब एक ही होता है, चोरी भी और सीना जोरी भी। दूसरा तीसरा कोई नहीं है इस देश के अंदर चोर लुटेरा, सिंगल और सिंगल भारतीय जनता पार्टी है एक लुटेरी पार्टी। और स्विच बैंक के अंदर एक भी घोटाला का अभी तक, मतलब एक भी व्यक्ति का नाम उजागर नहीं किया अभी तक, इसका एक बारी जिक्र तक नहीं होता है। तो इसका सीधा मतलब है कि यदि 100 व्यक्तियों का काला धन स्विच बैंक के अंदर है, तो मैं दावे से कह सकता हूं 90 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के व्यक्तियों के काले धन वहां पे जमा है। मैं दावे से कह सकता हूं, वरना करे भारत सरकार खुलासा किन किन व्यक्तियों का काला धन है। और नरेंद्र मोदी जी तो उस टाइम में बड़े डंके की चोट पे बोलते थे, ना मैं खाता हूं ना मैं खाने देता हूं। अब ये तो देश का इतना बड़ा बच्चा भी जो 2 साल का है ना, वो भी समझ गया है कि कौन खाता है या नहीं खाता है या खिलाता है। ये तो देश का एक एक नागरिक अब समझ चुका है कि कौन है चोर, कौन है लुटेरा, कौन है डकैत, ये सब जान चुके हैं। अरे जो जाति धर्म के नाम पे वोट मांगे उनसे विकास कभी नहीं होता भैया, कभी नहीं होता। अब कितनी राग इनको, एक कल बात करेंगे विशेषकर भारत में जाने माने बाबाओं के ऊपर। सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं ये बाबा, और सभी का चाल चरित्र विस्तार से कल खुलासा करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।